घाघरा नदी यहाँ के बड़े क्षेत्र में बाढ़ लाती है, बहुत परेशानी पैदा करती है और बहुत कृषि योग्य जमीन यहाँ पर बाढ़ की वजह से घाघरा की खराब होती है। विकास की बाढ़ जो हो रहा है इलाका, तो चलिए अब अंदर चलते हैं गोपालपुर विधानसभा में, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और मुकाबला यहाँ पर सपा और बसपा के बीच में ही रहा है, लेकिन इस बार क्या होने वाला है अंदर चलकर जानते हैं। क्या है इस बार आने वाले चुनाव में क्या मूड बन रहा है? मूड बन रहा सपा को वोट देंगे अखिलेश यादव को। क्यों? महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसलिए अखिलेश यादव ही परेशानी को दूर करेंगे। आपको लगता है अखिलेश यादव महंगाई कम कर देंगे? हाँ, अखिलेश यादव महंगाई कम करेंगे, अखिलेश यादव को देंगे। क्यों? बहुत बढ़िया नेता है। आदमी अच्छे है कि नेता अच्छे? अरे भाई आदमी अच्छे है। तो इतनी महंगाई है, सब कुछ है, इसके बाद इसके पहले 5 साल जो थे इतना विकास का काम किए, सारे काम किए उस काम को देख करके, और इतनी महंगाई किए हैं आज हर आदमी तक अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई सब कुछ, यानी हर आदमी बेकार हो गया। देखिए हम लोग तो वसीमवादी हैं, गोपालपुर की जो जनता है वो वसीमवादी है, क्योंकि वो बहुत सरल स्वभाव के थे और ईमानदार जो है वो हमारे इधर के थे जो है, तो हम लोग वसीमवादी हैं। हम लोग किसी पार्टी से नहीं है, मगर वसीम की बीवी जो है समा वसीम अगर गोपालपुर से आएंगी तो उनका पूरा समर्थन करेंगे, वोट करेंगे, धन मन तन से उनके साथ रहेंगे। मुख्यमंत्री भी अखिलेश यादव जो है, लेकिन समा वसीम को हम लोग जो है फर्स्ट, समा वसीम जो है, समा वसीम अगर नहीं रहेंगे तो फिर किसी थर्ड विकेट पे चुना जाएगा जो है। अच्छा, अगर अगर समाजवादी पार्टी समा वसीम को टिकट नहीं देती है तो आप क्या करें? तो फिर हम लोग कहीं देखा जाए, बताइए जाएंगे या तो फिर जो है रमेश यादव कोई बसपा से कोई जाए। ओवैसी विकल्प है आपके? हाँ, वैसी विकल्प जो मतलब बसपा अगर बसपा कोई जीतने वाला उम्मीदवार हो उसके साथ भी जाएंगे जो है। हम लोग तो अखिलेश को ही देखना चाहते हैं, और देख लीजिए पूर्वांचल वूर्वांचल जितना है सब उन्हीं का हुआ है, ये खाली फीता काट, पूर्वांचल एक्सप्रेस में तो कह रहे हैं लोग हमने बनाया, वो फीता यही लोग काटेंगे ना। अखिलेश यादव क्यों? काम बोलता है, काम बोलता है उनका नारा था, तो इस बार तो कुछ काम कर नहीं पाए, विपक्ष में थे। हाँ, विपक्ष में सरकार नहीं है तो काम कैसे करेंगे, लेकिन जब तक थे बहुत अच्छा काम किए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, डायल 100 थी, बहुत से काम अच्छे। इन्होंने योगी जी ने कुछ अच्छा काम किया कि नहीं? नहीं, कोई अच्छा काम नहीं किया है। पॉलिटिकल मूड क्या बताया है, देख ही रहे हैं आप सब कुछ। आपका क्या मन बन रहा है? क्या सुझाव है कि कोई भी पार्टी आए देश की तरक्की की बात करें, हम यही चाहते हैं बस। तो अभी जो पार्टी है या योगी जी मुख्यमंत्री हैं ये तरक्की की बात नहीं कर रहे हैं? नहीं, कहीं तो नहीं कुछ देखा जा रहा है। यूपी का पॉलिटिकल मूड तो यही है कि अब की इनको मोदी जी को हटाया या कोई दूसरा लाए। अभी तो योगी जी है ना यहाँ पे यूपी? यहाँ पे तो यूपी में योगी जी है ना। हाँ, तो इनको यही है कि यहाँ से हटाया जाए इनको। किसको लाना चाहते हैं? अभी अखिलेश को लाना चाह रहे हैं लोग। अखिलेश को क्यों पसंद करते? कि तरक्की कर रहे हैं वो, इनकी कोई अभी तरक्की यहाँ पे दिखाई नहीं दी है। तो लगातार गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में हम लोग घूम रहे हैं, लोगों का सियासी मिजाज समझ रहे हैं, उनका मूड समझ रहे हैं, और इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि जातिगत समीकरण क्या है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर यादव मतदाता हैं, उसके बाद दलित, और फिर तीसरे नंबर पर यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है, लेकिन ब्राह्मण, भूमिहार और सवर्ण मतदाता भी यहाँ पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। सपा सरकार आएगी? सपा सरकार आएगी। सपा सरकार मतलब अखिलेश यादव को आप सीएम देखना चाहते हैं? हाँ। और अभी जो सीएम है ये क्या कर रहे हैं? इनको सब बोल रहे हैं सही आदमी नहीं है। अच्छा, क्या सही नहीं लगा? वैसे उनका कहना सही है, लेकिन यही आदमी को काम धंधा नहीं है, घर पे बैठे हैं। हाँ। बेरोजगारी? हाँ। महंगाई भी? महंगाई बहुत ज्यादा है, टमाटर 100 रुपये किलो हो गया। समाजवादी पार्टी आएगी। अखिलेश यादव पसंद है जी? क्यों पसंद? उनका काम अभी बीजेपी जो कुछ काम नहीं कर रही है। मोदी की देगा? मोदी को देंगे? मोदी नहीं, योगी, योगी सीएम। हाँ, तो अभी विधानसभा चुनाव हो रहा है। हाँ। तो योगी को आप देखना चाहते हैं कि अखिलेश को देखना है? योगी है। क्यों? अब भाई हमार कई कई अथुआ में एक्को दाइन इनके मतलब अहिले में हमार राशन कार्ड बन गए, उनके जमाना बीत गया सारा राशन कार्ड में बनल, तो क्या उन्होंने लाभ क्यों देखा लेने? समाजवादी वाले। अच्छा, क्यों? इसलिए कि समाजवादी की अच्छाई मिली है, इससे बहुत ज़्यादा जो है कमी महसूस हुई, तकलीफ हुई है। इस योगी सरकार में क्या तकलीफ? बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, हर तरह की तकलीफ हुई है। हमारा मूड बस वही है कि समाजवादी पार्टी जो है वो ब्लैक मार्केटिंग नहीं करती,
अपने बनाती वो है और रिबन हम काटते हैं, समझ गए ना। तो वो काम वो सब नहीं करते हैं, वो अपने बलबूते पर जो कुछ भी, आज रोड बना, एयरपोर्ट फलाना ढमकाना, जो भी अखिलेश यादव उसकी देन है, और उसका ब्लैकमेल कर करके दूसरी पार्टी मजा ले रही है। आपको बताना कि आजमगढ़ में और कोई विकास किया क्या उत्तर प्रदेश में, बताइए ना। सब कुछ जो भी कुछ बनाया हुआ है, सब कुछ उन्हीं बनाया हुआ है, चाहे वो कमिश्नरी हो, चाहे पीजीआई चिल्ड्रन कॉलेज हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे डेयरी हो, उसके अलावा आज तक कोई बनाया है। मैं कैंडिडेट को जिताना चाहता हूँ, अखिलेश यादव को भी जिताना चाहता हूँ, लेकिन कैंडिडेट जरूरी है। यहाँ मंत्री जी ने बहुत इस गोपालपुर क्षेत्र के लिए बहुत सेवा किया है, उनका सम्मान जनता करती है। अगर इनको, अखिलेश यादव को अगर गोपालपुर सीट जीतनी है तो समा वसीम को टिकट दें, नफीस को देंगे तो हार जाएंगे। और आपका क्या कहना है? समा वसीम को वोट देंगे तो वोट दिया जाएगा।